Hello class, today I am going to start the next lecture of your chapter Diversity in Living Organism. In this chapter, we are going to discuss about the five kingdom system. In the previous lecture, we have learned about the two kingdom system and five kingdom system, but five kingdom system is acceptable. So, briefly we are going to discuss about the five kingdom system in this lecture. टू किंगडम सिस्टम में पूरा जो सिस्टम था वो दो में डिवाइडेड था, प्लांटी और एनिमेलिया में. लेकिन जो प्लांटी और एनिमेलिया था उसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ठीक तरह से एडजस्ट नहीं हो रहे थे. क्यों? क्योंकि जैसे फंजाई है या कुछ है जो ना प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं ना एनिमल के. तो इसलिए फाइव किंगडम सिस्टम डिवाइड किया गया जिनमें वो ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग जगह रखी गई. तो नाउ फाइव किंगडम सिस्टम इज डिवाइडेड इन, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम द किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फाइव किंगडम सिस्टम, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम्स. फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा. पहला किंगडम है मोनेरा. प्रोकैरियोटिक नेचर. आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक मीन्स जो प्रिमिटिव थे जिनमें डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ था, दे आर नोन एज द प्रोकैरियोटिक. तो मोनेरा कैसे हैं? प्रिमिटिव हैं, इनका नेचर प्रोकैरियोटिक होता है. द जेनेटिक मटीरियल इज नॉट ऑर्गेनाइज इन टू अ न्यूक्लियस, इट लाइज डायरेक्टली इन साइड द साइटोप्लाज्म एंड इज कॉल्ड न्यूक्लॉइड. जो जेनेटिक मटीरियल होते हैं, जेनेटिक मटीरियल क्रोमेटिन, डीएनए, उनका जो पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसे डीएनए कहते हैं, इन सब के लिए एक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बल्कि वो साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली पड़े होते हैं जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोइड कहते हैं. जैसे आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें सेल में न्यूक्लियस डिफरेंशिएटेड होता है. न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलेमा कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. उनमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. लेकिन मोनेरा में जो वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही सिंपल है, तो इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, बल्कि जो भी जेनेटिक मटीरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक ले जाते हैं वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं. मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी एपरेटस, प्लास्टिड, लाइगोसोम आर एब्सेंट. आपने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन से कवर्ड, जिससे कि हर एक ऑर्गेनेल पहले वाले ऑर्गेनेल से डिफरेंशिएटेड होता है. तो इसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं जिन जो सेल बाउंडेड पाए जाते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं. मतलब एक सिंपल से स्ट्रक्चर होता है कि साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस का जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है. तो सिंपलर जो होते हैं सबसे वो आते हैं इसमें मोनेरा में. सी द माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियम, एनाबेना, ये देखो इसके जो ये है सेल मेम्ब्रेन. और डीएनए के लिए देखो कोई न्यूक्लियस नहीं पाई जाती. राइबोसोम्स पाए जाते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म की ज़रूरत नहीं है. सब ऐसे ही है, इनमें कोई स्पेशल न्यूक्लियस नहीं है कि डिफरेंशिएटेड आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है. देखो ये भी स्ट्रक्चर है बैक्टीरियम का एक, जिसमें सेल वॉल तो पाया गया है, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस नहीं है स्पेशल कि न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर है, उसमें न्यूक्लियोलस है, फिर उसके चारों ओर न्यूक्लियो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ऐसा नहीं है. वही स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, जो वेल डेवलप्ड नहीं है. सो माइकोप्लाज्मा एंड दिस बैक्टीरिया एनाबेना, दिस इज बैक्टीरियम एंड दिस एनाबेना स्ट्रक्चर. इसमें भी देखो कोई न्यूक्लियस, कोई स्पेशल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गॉल्जी एपरेटस या लाइसोसोम्स, ऐसा कुछ भी इनमें प्रेजेंट नहीं है. तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सब क्या है? ये माइकोप्लाज्मा, ये बैक्टीरियम एंड एनाबेना आर द एग्जाम्पल ऑफ द मोनेरा. समझिए सबसे जो सिंपलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो मोनेरा में आते हैं. ओके, नेक्स्ट इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नेचर यूनिसेलुलर होते हैं, सिंपल हैं तो मतलब एक ही सेल होते होंगे. तो मोनेरांस आर बेसिकली यूनिसेलुलर, बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल पाया जाता है. इन फिलामेंट्स एंड कॉलोनीज द सेल्स आर सिमिलर एंड इंडिपेंडेंट.
फिलामेंट्स में या कॉलोनी में, मतलब जहाँ वो झुंड में पाए जाते हैं, वो एक ही जैसे दिखते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपना काम खुद करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज आइदर ऑटोट्रॉपिक, जैसे अभी आपको एनापेना एग्जांपल दिखाया तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियम है लाइक द माइकोप्लाज्मा एंड मोस्ट बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया होते हैं सिंपल और यूनिसेलर, वो कैसे होते हैं हेटरोट्रॉपिक, मतलब वो फूड खुद नहीं बनाते, किसी से लेना पड़ता है। सम ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल इन बैक्टीरिया वाइल अदर लैकिंग इन माइकोप्लाज्मा, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है और कुछ में नहीं भी है। फॉर एग्जाम्पल्स ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना नॉस्टॉक, बैक्टीरिया लाइक विब्रियो कॉलरेई, क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनियम, स्टीरिकिया कोलाई, ई कोलाई आपने कॉमनली सुना है, माइकोप्लाज्मा प्रोड्यूस डिजीज इन ह्यूमन, माइकोप्लाज्मा ह्यूमन एनिमल और प्लांट में डिजीज क्रिएट करते हैं। सो ब्लू ग्रीन एल्गी, सम बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या है, दीज आर द मोनेरा, जो सिंपल स्ट्रक्चर के हैं, सिंपल हैं बिल्कुल, उनमें कुछ स्पेशल ऑर्गेनेल, स्पेशल स्ट्रक्चर, वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, उन्हें क्या कहते हैं, मोनेरा कहते हैं। सबसे स्टार्टिंग में मोनेरा ही है, फाइव किंगडम सिस्टम में सबसे पहला किंगडम मोनेरा है, तो सबसे सिंपलर वन मोनेरा में आते हैं, समझो सिंपल से शुरू करते हैं, मोनेरा में आते हैं। अब जो मोनेरा से थोड़े डेवलप्ड होते हैं वो किस में आते हैं, नेक्स्ट में, दैट इज़ नोन एज द किंगडम प्रोटिस्टा, ये मोनेरा से थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, होते तो ये भी यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब प्रो से प्रिमिटिव से थोड़े डेवलप्ड होते हैं। देयर इज अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड अदर सेल ऑर्गेनेल्स, देखिए मोनेरा कैसे थे, बहुत सिंपलर थे, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियॉइड था सिर्फ, लेकिन उनमें ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दिखता है, और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। सेल वॉल, सम प्रोटिस्ट आर कवर्ड विथ सेल वॉल, कुछ जो प्रोटिस्टा है वो कैसे है, सेल वॉल से कवर्ड है, मोस्टली अपना फूड खुद बनाते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक एंड वाइल अदर डू नॉट, और कुछ नहीं भी बनाते हैं, जैसे प्रोटोजोआंस होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, तो ये उनसे कुछ डेवलप होते हैं कि इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और सभी ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज आइदर ऑटोट्रॉपिक लाइक एल्गी एंड डायटम्स, जितने एल्गी और डायटम्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक है, अपना फूड खुद बनाते हैं, एंड सम आर हेटरोट्रॉपिक, जितने प्रोटोजोआंस आते हैं जैसे दैट इज प्रोटोजोआ, यूग्लिना, अमीबा, पैरामिशियम, तो ये सब क्या है, ये प्रोटिस्टा है, वेल डेवलप्ड है, पहले से मोनेरान से डेवलप है, तो इनमें क्या होता है, ये हेटरोट्रॉपिक है, मतलब जैसे मोनेरा में थे कुछ अपना फूड खुद बनाते थे कुछ नहीं, ऐसे ही प्रोटिस्टा में भी कुछ अपना फूड खुद बनाते हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो एल्गी है और जो बाकी है वो हेटरोट्रॉपिक है। सम ऑर्गेनिज्म हैव सीलिया, सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, या फ्लैजिला जो यूग्लेमा नाम में पाया जाता है, जो कैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनकी मदद करते हैं लोकोमोशन में, लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट में, एंड स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया तो आप जानते हैं कि स्यूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फूट होते हैं अमीबा के, जो कि जब उन्हें चलना होता है, फूड कैप्चर करना होता है तो वो बनाते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट बट एन एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ये डेवलप्ड है लेकिन इतने भी डेवलप्ड नहीं है। आगे जब फिर हम नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल यूनिसेलर एल्गी लाइक क्लैमाइडोमोनास, ये देखो ये स्ट्रक्चर जो निकला है ना ऐसे हेयर लाइक, इसे कहते हैं फ्लैजिला, ये देखो यूग्लिना में भी निकला है फ्लैजिला, और इसमें पैरामिशियम में देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी के बाहर है ऐसे हेयर हेयर जैसे, इन्हें सीलिया कहते हैं, ये सब फ्लैजिला है, ठीक है, ये जो एक एक निकला ये फ्लैजिला है, और ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो चलने के लिए अमीबा बना लेता है जब ज़रूरत होती है, तो इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया, ये किस में मदद करते हैं, लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने में। सो सम एग्जांपल ऑफ मोनेरा आर प्रोटिस्टा आर क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, डायटम्स, पिनुलेरिया, नेविकुला, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स दैट इज गोनियोलेक्स, नॉक्टिला, प्रोटोजोआंस आर, आप प्रोटोजोआ तो जानते हैं, अमीबा, पैरामिशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, तो ये सब एग्जांपल्स हैं प्रोटिस्टा के। नेक्स्ट आता है फंजाई, दीज आर नॉन ग्रेव,
लैकिंग क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक, ये नॉन ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर के नहीं होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटोजोआ, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. तो जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता सो इट्स क्लियर दैट दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते. दे मे बी यूनिसेलर लाइक ईस्ट और मल्टी सेलर, ज़्यादातर जो एल्गी है वो मल्टी सेलर है, लेकिन ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलर है. द बॉडी ऑफ अ मल्टी सेलर इन फिलामेंटस फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम. जो बॉडी मल्टी सेलर होती है और फिलामेंट पाए जाते फंगस में वो माइसीलियम है, एंड इज कम्पोज ऑफ सेवरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और बहुत सारे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते हैं जिसे हाइफा कहते हैं. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड. फंजाई नॉन ग्रीन है तो इट्स क्लियर दैट दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड. तो जितने भी फंजाई हैं वो कैसे हैं, दे आर द हेटरोट्रॉपिक, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन द अदर्स. जैसे आपने सुना था, आपने देखा है फंजाई जब बारिश होता है तो किसी जगहों पे जहाँ पेड़ हैं या क्रेविसेस में वहाँ पैचेस जैसे स्ट्रक्चर निकल जाते हैं वाइट कलर के. फूड इज़ गेन्ड बाई आइदर सैप्रोफिटिकली, मतलब या तो वो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं, और पैरासिटिकली फ्रॉम अदर लिविंग टिश्यू, या तो किसी लिविंग टिश्यू में रह करके अपना फूड लेते हैं फंजाई, या फिर तो सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड लेते हैं. सेल वॉल कंटेन काइटिन, सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है. एंड रिजर्व फूड मटीरियल, फूड मटीरियल जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई आर ईस्ट, राइजोपस, आपने ब्रेड मॉल्ड देखा होगा, ब्रेड पे देखा होगा जब बारिश के दिनों में कभी कभी ब्रेड घर में आता है तो उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन वाइट वाइट से पैचेस हो जाते हैं, तो वो फंगस होते हैं. ठीक है, वाइट से पैचेस हो जाते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, इसलिए जहाँ मॉइस्चर है, अगर ब्रेड है वहाँ मॉइस्चर है तो वो अपना फूड क्या करते हैं वहाँ से ले लेते हैं सड़ी गली चीज़ों से. अभी आप ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़ के फेंक दीजिए अपने घर में, फिर बारिश हो या उस पर थोड़ा पानी पड़ जाए, नमी हो जाए, तो आप दूसरे ही दिन देखेंगे कि रोटी के या ब्रेड के टुकड़े पे वाइट वाइट से पैचेस हो जाते हैं. ठीक है, तो क्योंकि जो फंजाई है वो हमारे एटमोसफियर में है हर जगह, जैसे ही सूटेबल कंडीशन में मिलता है वहाँ वो अटैच हो जाते हैं. और क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते तो या तो वो फूड अपना सड़ी गली चीज़ों से ले लेते हैं, और या फिर तो किसी ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट बन जाते हैं और वहाँ से उन्हें फूड मिलता है. सो पेंसीलियम, म्यूकर, मशरूम, एनिसमट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई. ठीक है, ये सब फंजाई के अंतर्गत आते हैं. तो अभी तक का तीन क्लियर हुआ कि पहला सबसे सिंपल था जिसमें न्यूक्लियस तक नहीं पाया जाता था, वो मोनेरा थे. उनसे थोड़े डेवलप हुए जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वो प्रोटिस्टा है. और फंजाई क्या है, फंजाई पहले मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में ही कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं. फंजाई नॉन ग्रीन कलर के होते हैं और जितने भी फंजाई हैं वो हेटरोट्रॉपिक हैं, वो या तो अपना फूड सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं या फिर तो किसी ऑर्गेनिज्म के पैरासाइट बन जाते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड. सी दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई. ये देखो एग्जाम्पल है फंजाई का, माइसीलियम है, राइजोपस है, ईस्ट है, एगेरिकस है, पेंसीलियम है, एस्परजिलस है, ये सब नॉन ग्रीन है. ईस्ट, राइजोपस जो कि ब्रेड में पाए जाते हैं, इन्हें ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं. पेंसीलियम जिसे पेंसिलीन बनता है, म्यूकर, मशरूम, स्मट, ऑस्टिलेगो, जिसे में ये सब जो है एग्जाम्पल है फंजाई के जो कि नॉन ग्रीन है और अपना फूड खुद नहीं बना पाते. तो अगर आप इनको प्लांट में रखना चाहते हैं तो प्लांट में रख सकते थे, जैसे टू किंगडम सिस्टम पहले था, तो अब इन्हें प्लांट में नहीं रख सकते क्योंकि अपना फूड खुद नहीं बनाते. और एनिमल्स में भी नहीं रख सकते क्योंकि इनमें एनिमल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाए जाते. तो इसीलिए जो टू किंगडम सिस्टम था वो मान्य नहीं हुआ और फिर फाइव किंगडम सिस्टम बना, जिसमें कि इनका इन्हें एक अलग से किंगडम बनाया गया, दैट इज़ नोन एज द फंजाई. सब एग्जाम्पल्स, मोर एग्जाम्पल्स आर क्रस्टेशियो लाइकेन. लाइकेन पता ना, एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है, फॉलिसो लाइकेन एंड फ्रूटिकोस लाइकेन. नेक्स्ट सी किंगडम प्लांटी. अब आता है प्लांटी. प्लांट्स आर जस्ट किंगडम प्लांटी. प्लांट्स आर मल्टी सेलर यूकैरियोट्स एंड सेलुलोस्टिक सेल वॉल. अब प्लांटी में, किंगडम में कौन से आते हैं प्लांट्स, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं. यूकैरियोटिक मीन्स वेल डेवलप्ड होते हैं, विथ सेलुलोस्टिक सेल वॉल, मतलब सेल वॉल जो पाया जाता है वो सेलुलोज की बनी होती है. क्योंकि प्लांट्स क्या है, सब मल्टी सेलुलर है, सो दे आर ऑटोट्रॉप्स, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं. अब प्लांटी और एनिमेलिया हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है,
नेक्स्ट एनिमेलिया में कौन से आते हैं? किंगडम एनिमेलिया इज एनिमल आर मल्टी सेलर. सारे एनिमल कैसे होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है एंड दे आर हेटरोट्रॉपिक. सेल वॉल नहीं पाया जाता है और हेटरोट्रॉपिक होते हैं मीन्स दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड. तो प्लांटी और एनिमेलिया में क्या डिफरेंस हुआ कि प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाया जाता है. किंगडम प्लांटी में फूड अपना वो खुद बनाते हैं और एनिमेलिया में फूड खुद नहीं बना पाते हैं. तो दीज आर द फाइव किंगडम सिस्टम. ये पांच किंगडम हुआ. हम प्लांटी और एनिमेलिया एक एक करके पूरा पढ़ेंगे. फिर प्लांटी भी कई सारे ग्रुप में डिवाइडेड है, एनिमेलिया भी. सो आई होप द फाइव किंगडम सिस्टम इज़ क्लियर टू यू. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांटी पढ़ेंगे डिटेल में, फिर एनिमेलिया पढ़ेंगे. तब तक के लिए फाइव किंगडम सिस्टम बहुत ईजी है, पढ़ लीजिए अच्छे से. कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू.